बरते। और एक अधिकार है कि विश्व के जितने लोग रोड पर चल रहे हैं, लोक लक्ष्य अधिकार, उसके प्रति उपेक्षा कोई न बरते। यानी कि दूसरे का कर्तव्य है तो आपका क्या हो गया, अधिकार। जैसे कि आपका मूल अधिकार में समझना है कि मूल अधिकार आपका है तो कर्तव्य किसी पर होगा, जो आपके मूल अधिकारों का सम्मान करेगा। तो कर्तव्य किस पर है मूल अधिकार में, राज्य पर। तो राज्य अगर अपना कर्तव्य निभाता नहीं है, यानी कि हमारे मूल अधिकारों का क्या करता है, वायलेशन, तो अपने प्राथमिक कर्तव्य का उल्लंघन किया, तो राज्य का द्वितीय कर्तव्य उत्पन्न होता है कि उसके विरुद्ध हम वाद दायर करके, माने उसके विरुद्ध हम याचिका दायर कर सकते हैं आर्टिकल 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और कहाँ, हाई कोर्ट। उसी प्रकार जो ई रोड पर जा रहा है, पूरे विश्व के खिलाफ अधिकार है कि उसे कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, अर्थात उसके अधिकारों को कोई हनन न करे। लेकिन अगर एक वो जो नुकसान होता है, यही पॉइंट पकड़ना है, वह सार्वजनिक नहीं होता, वह लोक लक्ष्य नहीं होता। जो एक वो क्षति होती है अपकृत्य में क्या होती है, व्यक्तिगत। यानी कि एक किस अधिकार का वायलेशन किया गया तो विश्वव्यापी या लोक लक्ष्य, लेकिन एक को जो नुकसान पहुंचा वह कैसा पहुंचा, व्यक्तिगत पहुंचा। यानी कि क्षति कैसी हो गई, व्यक्तिगत। तो जिस व्यक्ति को क्षति हुई है उसे तीन उपचार उपलब्ध हैं। पहला, न्यायालय से मुआवजे की मांग कर ले। दूसरा, व्यादेश या इंजेक्शन या आदेश जारी कराए। और तीसरा आपका है कि संपत्ति का संपरिवर्तन, यानी कि अगर उसे संपत्ति खो गई है तो संपत्ति अपनी क्या कर ले, वो रिकवर कर ले, प्रत्युद्धरण कर ले, वापस ले ले। संविदा में देखिए, पढ़ भी रहे हैं आप लोग, तब आपका अंतर देखा जाए दोनों में। संविदा में क्या होता है कि संविदा में जो कर्तव्य होता है वह विधि द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि पक्षकार आपस में करार करके और एक दूसरे को वचन देकर अपना कर्तव्य और अधिकार क्या करते हैं, निर्धारित। जैसे ए ने बी को घोड़ा बेचने का प्रपोजल किया और बी ने इस घोड़े को खरीदना स्वीकार कर लिया, तो ऐसी दशा में क्या ये अधिकार और कर्तव्य जो ए और बी के हैं, क्या ये कानून द्वारा निर्धारित हो रहे हैं कि पक्षकार द्वारा? पक्षकार द्वारा। अगर कोई व्यक्ति, तो संविदा में किस अधिकार का हनन होता है, व्यक्तिबंधी यानी कि परसोनम, और कैसी क्षति भी होती है परसोनम, आ कर्तव्य पूरे समाज के प्रति नहीं। ए ने बी को घोड़ा बेचने का वादा किया है तो ए का कर्तव्य केवल किसके प्रति है, पूरे समाज के प्रति की बी के प्रति। अगर ए घोड़ा नहीं बेचता तो पूरा समाज प्रभावित नहीं हुआ, केवल कौन हुआ, बी। तो बी इसके लिए मुकदमा करेगा। और संविदा भंग में चार उपचार उपलब्ध हैं। कौन कौन? संविदा का विशिष्ट पालन पहला, दूसरा प्रतिकर, तीसरा व्यादेश और चौथा क्वांटम मेरियट। क्वांटम मेरियट का मतलब जितना काम उतना दाम। ये चार उपलब्ध हैं उपचार, और अपकृत में कितना है, तीन। तो आखिर अपकृत्य और संविदा भंग में अंतर क्या है, अब अंतर देखा जाए कह करके। भाई देखिए, अब शुरुआत किया जाए। दुष्कृत या अपकृत या टाट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा भंग या समझौता का भंग या अनुबंध को तोड़ देना, ये दोनों सिविल दोष हैं। यानी कि आपराधिक दोष नहीं है, बल्कि कैसे दोष है, सिविल, दंड नहीं दिया जाता दोनों में। दोनों में ही व्यक्ति के अधिकार का ही हनन होता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। जैसे रोड पर ये चल रहा है, धक्का दे दिया गया,
तो ए के अधिकार का हनन हुआ। और संविदा में अगर ए ने बी से घोड़ा बेचने का करार किया है और घोड़ा नहीं बेचा तो बी के अधिकार का क्या हुआ? हनन। लेकिन जो अपकृत में ए का अधिकार था वह आपका किसके प्रति था? पूरे समाज के प्रति। और बी में संविदा में जो घोड़ा मने का पर अधिकार था वह बी का अधिकार था पूरे समाज के। होता है और किस में? अपकृत में। अब इतना समानता होने के बावजूद भी अपकृत्य और संविदा में अंतर है, तभी तो हम अलग अलग विषय पढ़ रहे हैं, नहीं तो दोनों को कहाँ हम पढ़ते हैं? एक में। अब क्या अंतर है देखिए भाई। अपकृत तथा संविदा भंग दोनों कर्तव्य भंग से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन आपका दोनों में कैसा कर्तव्य होता है? अब एक उदाहरण से भी चलते रहिए, यानी कि एक उदाहरण आप रोड वाला पकड़ लीजिए और एक उदाहरण घोड़ा वाला, सबसे सटीक रहेगा। ये रोड पर जा रहा है, ध्यान से समझिए। तो जब ये रोड पर जा रहा है तो विश्व के जितने भी लोग उस रोड पर चल रहे हैं उन सबका कर्तव्य है ए के प्रति कि वह ए के प्रति सावधानी बरतें। अगर कोई व्यक्ति जो रोड पर चल रहा है अपने कर्तव्य को नहीं निभाया या अपने कर्तव्य का क्या किया वायलेशन और ए को क्या पहुंचा नुकसान, तो ए उस नुकसान की भरपाई की मांग कर सकता है। यानी कि पहला अंतर आपका ये दिखाना है कि अपकृत में जो कर्तव्य का ब्रीच किया जाता है या ड्यूटी जो ब्रीच होती है वह आपका लोकलक्षी होती है, यानी कि वह सर्वबंधी होती है, यानी कि कर्तव्य किसके प्रति होता है? सभी लोगों के प्रति की, एक आदमी के प्रति, सभी। लेकिन अपकृत में ऐसा नहीं, संविदा में ऐसा नहीं है। अगर ए ने बी से घोड़ा बेचने का करार किया है, संविदा किया है, तो ए का कर्तव्य केवल बी के प्रति है कि वह घोड़ा बेचे। अगर ए घोड़ा बेचने से इनकार करता है तो अपने किस कर्तव्य का उल्लंघन करता है? व्यक्तिबंधी की, सर्वबंधी। व्यक्तिबंधी यानी कि परसोनम और सर्वबंधी मतलब रेम। तो व्यक्तिगत कर्तव्य का उल्लंघन किया कि विश्वव्यापी? व्यक्तिगत, क्योंकि संविदा में ए का कर्तव्य केवल किसके प्रति था? बी के। दूसरा देखिए भाई, अपकृत में जो कर्तव्य व्यक्ति पर होता है, अब पक्षकार स्वयं निर्धारित करते हैं कि कानून निर्धारित करता है। अब आप लोग बताइए, इतना परिभाषा बताया गया बिनफील्ड की कि जो कर्तव्य किसी व्यक्ति का है, ड्यूटी है, वह कानून द्वारा पहले से निर्धारित रहती है कि पक्षकार आपस में निर्धारित करते हैं? कानून द्वारा। भाई कानून ही तो कर्तव्य डालता है कि जब भी आप रोड पर चलिए, आप सब जितने भी लोग रोड पर हैं सबके प्रति आप क्या करिए? सावधानी बरतिए। तो ये कौन कर्तव्य किसके द्वारा आरोपित होता है अपकृत में? पक्षकार द्वारा नहीं, किसके द्वारा? कानून द्वारा, विधि द्वारा। जबकि संविदा में जो कर्तव्य होता है कानून द्वारा निर्धारित न होकर पक्षकार क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं अपना कर्तव्य और अधिकार निर्धारित करने के लिए। जैसे ए ने
बी को घोड़ा बेचने की संविदा की तो ए का कर्तव्य बी के प्रति और बी से संविदा द्वारा उत्पन्न हुआ कानून ने उत्पन्न नहीं किया है। ए और बी अपने अधिकार और कर्तव्य कैसे उत्पन्न किए हैं? संविदा करके। तीसरा देखिए भाई, अपकृत के मामले में किस राइट का, ये बिहार में प्री में भी पूछा गया, ये जो मैं बता रहा हूँ, अपकृत के मामले में किस अधिकार का अतिलंघन या वायलेशन या अतिक्रमण या उल्लंघन होता है? तो लोकलक्षी की व्यक्ति बंधी, भाई फिर एक बार उदाहरण से पकड़िए, ए रोड पर जा रहा है तो उसका जो अधिकार है कि उसको कोई नुकसान न पहुंचाए, रोड पर चलने वाले एक व्यक्ति के प्रति अधिकार है कि जितने व्यक्ति चल रहे हैं, बताइए। तो जब सभी व्यक्तियों के प्रति अधिकार मिल रहा है ए को, तो उसे कौन सा अधिकार कहा जाता है? राइट इन रेम, इसको सर्वबंधी, तीन चार नाम बता रहा हूँ, सर्वबंधी, लोकलक्षी, विश्वव्यापी। लेकिन इंग्लिश वर्जन क्या कहा जाएगा? राइट इन रेम। अब संविदा में बताइए आप लोग, ए ने बी को घोड़ा बेचने का करार किया, अनुबंध किया, तो ए का कर्तव्य कि वह घोड़ा बी को बेचे केवल बी के प्रति है कि पूरे समाज के प्रति? तो फिर एक बार सही बता रहे हैं भाई लोग, लेकिन हम भी बता दें एक बार, अपकृत में जिस अधिकार का हनन होता है, अधिकार पर आ जाइए, वह सर्वबंधी होता है, जबकि संविदा भंग में ए माने पक्षकार जिस अधिकार का उल्लंघन करते हैं वह व्यक्तिबंधी होता है। देखिए, ए ने घोड़ा बेचने का अनुबंध बी से किया तो बी का अधिकार ए के प्रति है कि ए का घोड़ा वह खरीदे और ए बेचे। अगर ए बी को घोड़ा नहीं बेचता तो बी के किस अधिकार का हनन हुआ? आपका ये बताइए, विश्वव्यापी की व्यक्तिबंधी। व्यक्तिबंधी मतलब कि केवल पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति, और विश्वव्यापी माने किसके प्रति? तो ए बी का अधिकार ए के प्रति था कि पूरे विश्व के प्रति? ए के प्रति, संविदा में पूरे विश्व के प्रति नहीं था। अगला ये भाई आपका, अपकृत विधि के तहत मुख्य उपचार, ये BHULLM में भी भाई पूछा गया है आपका, पिछली बार दो तीन लोग पूछ भी रहे थे। अपकृत विधि के तहत जो मेन रेमडी है या मुख्य उपचार, मैं लगातार बता रहा हूँ, अपर निर्धारित क्षतिपूर्ति है। यानी कि आप मुकदमा करेंगे मुआवजे के लिए, मुआवजा कितना दिया जाए ये कौन निर्धारित करता है? न्यायालय। अब क्या मुआवजा निर्धारित करने का तरीका है ये अलग बताना है, ये नहीं कि समाप्त हो गया। मुआवजा कई प्रकार का होता है, कैसे निर्धारित किया जाता है, इसके लिए तमाम कानून और एविडेंस की धारा 12 भी कवर करनी है और धारा 55 भी कवर करनी है। यानी कि जब मैं मुआवजा या डैमेजेज वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा तो वहाँ तमाम कानून भी कोरिलेट होंगे, लेकिन एक लाइन यहाँ बता दिया जाए, एविडेंस की धारा 12 कहती है कि न्यायालय किसी व्यक्ति को कितनी नुकसानी दिलवाए, इस बात को निर्धारित करने में जितनी भी बातें साक्ष्य में आ सकती है सभी ली जाएंगी और सब बातें क्या होंगी? उचित, रेलेवेंट या सुसंगत। धारा 55 कहती है कि पक्षकारों का जो करेक्टर है जिससे नुकसानी क्या हो जाए बढ़ जाए या नुकसानी क्या हो जाए घट जाए वह पेश किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो ये बताया जाएगा। नुकसानी का निर्धारण अलग से सिद्धांत है उसमें। अब आइए संविदा में आइए, संविदा अधिनियम के तहत, नहीं संविदा भंग में मुख्य उपचार क्या है या मेन रेमडी क्या है?
तो हमने चार उपचार बताए हैं, फिर मैं बता रहा हूँ। पहला कौन सा हमने बताया? संविदा का विशिष्ट पालन, दूसरा प्रतिकर, तीसरा व्यादेश और चौथा क्वांटम मेरिट। और अपकृत में तीन उपचार मैं बताया था, अपनिर्धारित क्षतिपूर्ति, व्यादेश और संपत्ति का रिकवरी यानी कि वापसी या संपरिवर्तन। तो अपकृत विधि में मुख्य उपचार कौन हमने अभी बताया था? अपनिर्धारित क्षतिपूर्ति। तो अब संविदा भंग में आप बताइए मुख्य उपचार कौन है? संविदा का विनिर्दिष्ट पालन यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले लोगों को बता दिया जाए एक लाइन, ये आपका जो संविदा का विशिष्ट पालन है, सुबह चल भी रहा है वही कानून, इसको आपका कहा जाता है एसआरए कानून है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। और इसी में धारा 9 से लेकर 25 तक में संविदा का विशिष्ट पालन का प्रावधान किया गया है। एक उदाहरण कम से कम एक लाइन बता दिया जाए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस पर। ए ने बी से संविदा की हे बी, मैं ये अपना मकान तुम्हें बेचूंगा, और ए ने बाद में बेचने से क्या कर दिया? इनकार, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को भंग किसने किया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? संविदा भंग किसने किया इस उदाहरण में? ए ने कि बी ने? ए ने। अपना कर्तव्य नहीं निभाया, ए का कर्तव्य किसके प्रति था? बी के प्रति, की पूरे समाज बी के प्रति, व्यथित इसमें कौन हुआ पीड़ित? बी। तो बी कोर्ट, आप वकील साहब हैं, आपके पास बी गया तो आप उपचार दिलवाएंगे और कहेंगे कि चलो एसआरए के तहत सिविल सूट लाया जाए, और चूंकि तुम संविदा किए थे मकान के लिए तो ए तुम्हें क्यों नहीं मकान बेचेगा, न्यायालय से हम आदेश दिलवा देंगे और ए को यह मकान तुम्हें बेचना पड़ेगा। तो जब यानी कि जो वस्तु मेरी है वह मुझे दे दी जाए, बदले में धन या अन्य वस्तु न दी जाए, यही एसआरए का मुख्य उद्देश्य है। तो आप लोग बताइए, संविदा मकान के लिए हुई थी तो विशिष्ट पालन का मतलब ये हुआ कि बी कोर्ट में जाएगा, ए के खिलाफ मुकदमा दायर करेगा और कहेगा कि हजूर ए ने वादा किया था, वचन दिया था अपना मकान बेचने का, अब अपने वचन को भंग कर रहा है, अतः इसको भंग करने से रोकिए और ये मकान हमें क्या करिए, बेचवाइए यानी कि दिलवाइए, और मैं पैसा देने के लिए क्या हूँ? तत्पर। और अब ये नहीं कि पैसा ही ना दे मकाने मांगा, ये नहीं, आपका इशारे में भाई बी जब मांग रहा है अपना हक तो बी शाम चाहने वाले को भी शाम का क्या करना पड़ेगा, यानी कि जितना पर करार हुआ था उतना पैसा बी को, बी द्वारा किसको दिया जाएगा? ए को। वो बताया जाएगा पैसा नहीं देता तो डिक्री रद्द हो जाएगी, तो ये सारे में चलता है। अगला देखिए भाई, अगला आपका देखा जाए अपकृत विधि में जो सेकेंडरी या सहायक या जो द्वितीयक उपचार हैं वह इंजेक्शन है या व्यादेश है, जबकि संविदा भंग में जो द्वितीयक उपचार हैं वह प्रतिकर है यानी कि कंपनसेशन। क्या है? कंपनसेशन। अब अगला अंतर देखिए, अपकृत विधि के अंतर्गत आपका कह सकते हैं कि जो नुकसानी होती है वह सदैव अनलिक्विडेटेड यानी कि अपरनिर्धारित होती है। जब आप मुकदमा करेंगे तो न्यायालय दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद ये निर्धारित करेगा कि वादी को कितनी क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए, जबकि संविदा अधिनियम में जो कंपनसेशन या प्रतिकर होता है वह दोनों हो सकता है, अपरनिर्धारित और परनिर्धारित। फिर इसको देखिए, यहाँ भी अंतर करना है, यानी कि अब फिर एक बार इसको देखिए भाई, उदाहरण द्वारा भी समझा दिया जाए, तो लिखना एक ही लाइन है मेंस में,
लेकिन उदाहरण द्वारा दिमाग में बैठाइए। मान लीजिए ए ने बी के प्रति कोई अपकृत किया, टाट किया। अभी अपकृत बताया जाएगा कि कौन सा अपकृत किया, अभी कहाँ शुरू हुआ है, अभी तो सामान्य बातें और अंतर परिभाषा पर ही हम लोग हैं। तो आपका बी ए के खिलाफ क्या करेगा, मुआवजा की मांग के लिए वाद करते। अब बी को कितना मुआवजा मिले ये पहले से निश्चित नहीं रहता, न्यायालय घटना को देखते हुए न्यायालय ये निर्धारित करता है कि बी को ए से कितना पैसा दिलवाया जाए। कौन निर्धारित करेगा? न्यायालय। यानी कि अपकृत विधि के तहत जो जो क्षतिपूर्ति या डैमेजेज होता है, यानी कि डैमेजेज की धनराशि सदैव अपर निर्धारित रहती हैं और इसका निर्धारण कौन करता है? न्यायालय। लेकिन जहाँ तक संविदा विधि की बात है, संविदा विधि में आपका दो सेक्शन देखना है, 73 और दूसरा कौन सा 74, ये भी यूपीजे में आ चुका है भाई। 73 में अपर निर्धारित नुकसानी प्रतिकर और 74 में लिक्विडेटेड यानी कि पर निर्धारित यानी कि पहले से ही निर्धारित। तो बताइए संविदा भंग में कैसा प्रतिकर पाया जा सकता है, अपर निर्धारित कि पर निर्धारित की दोनों? तो अपर निर्धारित की धारा में 73 और पर निर्धारित 74। पहले अपर निर्धारित समझ, दोनों को एक एक उदाहरण द्वारा देखिए। ए बी से घोड़ा बेचने का करार करता है, लेकिन संविदा में कहीं नहीं लिखा है कि अगर ए घोड़ा न बेचे तो बी को कितना कंपनसेशन देगा, कितना मुआवजा देगा। तो बी मुआवजा जो पाएगा वह 73 के तहत पाएगा अपर निर्धारित, और कितना बी को मुआवजा मिले संविदा अधिनियम में इसका निर्धारण किसके द्वारा होगा? न्यायालय। दूसरा उदाहरण इसी पर सेट करिए। ए ने बी से घोड़ा बेचने का करार किया 1000 में, लेकिन करार में एक बात और लिखी गई कि अगर ए अपना घोड़ा बेचने से क्या करता है, इनकार, तो ए द्वारा बी को आपका 1,00,000 रुपया प्रतिकर दिया जाएगा। तो बताइए संविदा में ही प्रतिकर की राशि लिख दी गई कि नहीं? लिख दी गई। तो ये प्रतिकर किस सेक्शन से गवर्न होगा? 74 से, और इसे हम क्या कहेंगे? पर निर्धारित या लिक्विडेटेड, यानी कि संविदा के पक्षकारों ने पहले से ही इसे क्या कर रखा है? निर्धारित। तो बताइए संविदा में कैसा प्रतिकर, अपर निर्धारित की पर निर्धारित की दोनों? सेक्शन याद करके जाइए जे में पूछा गया है अपर निर्धारित प्रतिकर किस धारा में? 73। पर निर्धारित 74 और क्वांटम मेरिट 75। जितना काम उतना दाम, यानी कि अधिकार पूर्वक संविदा को क्या करना? विखंडित। तो 75 नहीं जानना है, केवल दो सेक्शन याद रखिएगा, कौन कौन? 73 और आपका 74। देखिए भाई आपका इंटेंशन पर आ जाइए, आशय पर आ जाइए, यानी कि दुराशय पर आ जाइए थोड़ा। अब आशय को जब भी पढ़िए तो थोड़ा दिमाग, अभी कांटेक्ट टाट नहीं, पहले आशय को दूसरे एंगल से देखिए, तब आपका कांटेक्ट और टाट में हम देखते हैं। देखिए आपराधिक विधि में, यानी कि जहाँ तक क्रिमिनल लॉ है या दांडिक विधि है, उसमें एक मैक्सिम काम करती हैं कि एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी मेंस सिट रिया। मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इंटेंशन या इरादा या उसका आशय या मनः स्थिति या दुराशय उस कार्य को करने का न हो। ये क्वेश्चन अभी आपका झारखंड एपीओ में बना था कि ऑफेंस या अपराध के लिए क्या आवश्यक है, तो दो चीज़ें, एक एक्टस रिया
यानी कि आपराधिक कार्य, और दूसरा मेंस रिया यानी कि दुराशय। कितनी चीज़ें आवश्यक हैं? दो, एक्टस रिया और कौन, मेंस रिया। अब बताया जाएगा, वो तो आईपीसी में चलता है भाई। यानी कि आपराधिक विधि में आशय का महत्वपूर्ण स्थान है। अब आशय को कैसे न्यायालय में प्रूफ किया जाए, क्योंकि आशय आपका देखा नहीं जा सकता लेकिन आपका साक्ष में सुसंगत होता है, और इंटेंशन को व्यक्ति के हाव भाव चाल चलन रहन सहन आचरण के आधार पर कोर्ट में साबित किया जाता है। और इसके लिए आपका ये मन की स्थिति है या ये मानसिक तथ्य है, मेंटल फैक्ट है, दिखाई नहीं देता। इसके लिए एविडेंस की दो धारा मुख्य रूप से बनी है, 14 तथा 15। पूछा भी जाता है कौन कौन सी धारा, 14 और 15। जहाँ तक अपकृत्य और संविदा की बात है, आपने कोई अपकृत्य किया या संविदा भंग किया तो क्या आपका अपकृत्य करने का इरादा था कि नहीं, या संविदा भंग करने का इरादा था कि नहीं, इस बात पर ज़्यादा विचार नहीं किया जाता। यानी कि आपराधिक विधि में आशय महत्वपूर्ण तत्व हैं, लेकिन संविदा और अपकृत में इसका कोई खास महत्व नहीं है। लेकिन अपकृत विधि में आपका बताया जाएगा, टाट में कुछ अपकृत ऐसे हैं जहाँ की आशय का होना आवश्यक है, जबकि संविदा में कभी भी इंटेंशन का कोई महत्व नहीं। अब जैसे फ्रॉड, अगर अपकपट का अपकृत किया जाता है तो आपका धोखा देने का आशय होना क्या है, आवश्यक, लेकिन आपका संविदा में आशय का कोई महत्व नहीं है। यानी कि इसका मतलब एक लाइन ये हुआ कि संविदा भंग के अपकृत में कुछ मामलों में इंटेंशन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन संविदा भंग में कभी भी आशय महत्वपूर्ण नहीं होता। एक लाइन। अगला देखिए भाई, गुप्तता का सिद्धांत। गुप्तता सुने है कि नहीं कभी? अब नहीं सुने तो भाई सुनाना ही पड़ेगा, सुने है कि नहीं? संविदा के संसर्ग का सिद्धांत, गुप्तता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। सुने, देखिए अभी पढ़ाना भी है संविदा नियम, मैं पढ़ाया नहीं गया, जब सेक्शन 25 शुरू करेंगे तो उसी में सारे सिद्धांत हम पढ़ाएंगे। आपका 4-5 सिद्धांत हैं, कंसीडरेशन है, लेकिन अभी पढ़ाया नहीं गया, ये सही बात है। देखिए भाई, आपका संविदा में गुप्तता होती है, निजता होती है, प्राइवेसी होती है, तो आपका और अपकृत विधि में गुप्तता नहीं होती। अब कैसे गुप्तता होती है, इसको कहते हैं संविदा के संसर्ग का सिद्धांत या संविदा की गुप्तता का सिद्धांत। संविदा यानी कि आपका प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा। गुप्तता क्या होती है, अब गुप्तता देखिए क्या होती है भाई, अगर ए ने बी के साथ संविदा की है और ए इस संविदा को भंग करता है, तो गुप्तता ये बताती है, प्रिविटी ये बताती है, संसर्ग ये बताता है कि पीड़ित केवल कौन हुआ, बी, अतः वाद कौन केवल ए के विरुद्ध ला सकता है, बी ही ला सकता है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं ला सकता। ये सामान्य नियम है, पूरा संसार नहीं ला सकता, केवल कौन ला सकता है, बी। इसी को हम संविदा की क्या कहते हैं, गुप्तता का सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत कॉन्ट्रैक्ट में मान्य है, लेकिन टाट में ये ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो जब टाट में सेक्शन ही नहीं है तो सिद्धांत कहाँ से आपका ऐसा आएगा, सेक्शन कोई है नहीं, ये तो आपका केस के माध्यम से सिद्धांत बताए जा रहे हैं, और आपका सेक्शन बताना नहीं है, केवल आपका सिद्धांत बताना है। अगला देखिए भाई, आपका
अपकृत विधि के अंतर्गत जो क्षतिपूर्ति होती है वह प्रतिकारात्मक होती है, लेकिन कुछ मामलों में अनुकरणीय क्षति भी दिलवाई जाती है, जबकि संविदा में आपका क्षतिपूर्ति सदैव प्रतिकारात्मक होती है। अब इसको भी समझना है कि प्रतिकारात्मक क्षतिपूर्ति और अनुकरणीय क्षतिपूर्ति, तो इसको दंड के सिद्धांत से समझिए। थोड़ा तब हम बताते हैं इसको दो शब्दों को। देखिए, आपका सामंड ने किसी अपराधी को क्यों सजा दी जाए, इसके लिए पनिशमेंट के पांच सिद्धांत बताए। और आपका उस पांच सिद्धांतों में भाई उल्लेख तो नहीं किया जाएगा ज़्यादा, एक सिद्धांत ऐसा है जो ये बताता है कि दंड इसलिए दिया जाता है ताकि समाज में एक दृष्टांत उत्पन्न हो, एक मैसेज जाए कि अगर आगे कोई ऐसा अपराध करता है तो उसके साथ यही व्यवहार किया जाए। यानी कि दंड अनुकरणीय होना चाहिए, समाज के लोग उससे क्या करें, भय खाएं। याद रखिए, यही तो भय निकल गया है, तो लोग क्या कर रहे हैं, अपराध दर अपराध कर रहे हैं। यानी कि भय बिना प्रीति नहीं होती, और जब भय निकल जाता है तो मानव पशु के समान हो जाता है। और आपका बताया जाएगा पास्कल का कोटेशन जर्मी बेंथम का, अगर विधि न रहे तो मानव आपका जानवरों से भी भयंकर हो जाएगा, तो विधि की आवश्यकता मानव की चेष्टाओं को क्या करने के लिए की जाती है, कंट्रोल। तो आगे बताया जाएगा, जुरिस्प्रूडेंस में ही आएगा। लेकिन आपका प्रतिकारात्मक क्षतिपूर्ति और अनुकरणीय क्षतिपूर्ति को दिमाग में पहले बैठाना है। प्रतिकारात्मक का मतलब ये हुआ कि जितना नुकसान हुआ है उतना ही क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए। यानी कि अगर 100 रुपये का नुकसान हुआ है तो केवल कितना रुपया मुआवजा दिलवाया जाए, 100। 200 का हुआ है तो 200। आपका संविदा भंग में ये नियम लागू होता है अपकृत्य दोनों में, लेकिन अपकृत्य में दृष्टांतक या अनुकरणीय मुआवजा भी न्यायालय दिलवा सकता है। यानी कि उस सीमा से अधिक मुआवजा दिलवाना जिस सीमा तक नुकसान पहुंचा है, जैसे कि 100 रुपये का नुकसान हुआ और 1000 न्यायालय मुआवजा दिलवा दिया, तो ये प्रतिकारात्मक अब नहीं रहा, ये दृष्टांत पैदा किया, अनुकरणीय रहा। जैसे कि आपका कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं आपका मैंने तमाम केसें आगे बताया जाएगा, अभी तमाम केसों में सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा मुआवजा दिलवाया, जितना क्षति हुई थी उससे क्या दिलवाया, अधिक। इस प्रकार आपका ये अंतर। अब आइए आपका देखा जाए जो अंतर कि अपकृत और संविदा कल्प में क्या अंतर है, ये भी आपका बिहार में पूछा जा चुका है भाई। देखिए आपका अपकृत और संविदा कल्प, तो कोसाई कॉन्ट्रैक्ट या कृत्रिम संविदा, बनावटी संविदा या डिम्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले तो आपका ध्यान से देखिए, फिर आपका भाई एक बार समझाना पड़ेगा संविदा का निर्माण कैसे होता है। तो पहले फिर पक्षकार बनाइए ए और बी। तो बताइए प्रथम चरण संविदा का क्या होता है, प्रपोजल। भाई प्रथम चरण कौन है, प्रपोजल। ए ने प्रस्ताव किया, तो दूसरा चरण ये आया कि बी उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि क्या कर लिया, स्वीकार। तो जैसे ही बी ने ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, जो ए का प्रपोजल था वह किस में कन्वर्ट हो गया, वचन, वादा या प्रामिज या प्रतिज्ञा। और जब दोनों तरफ से वचन आ गए तो किसका निर्माण हो गया, करार का। और ये करार आपका चल भी रहा है, अगर धारा 10 की शर्तों की पूर्ति कर दे तो इसी करार को एक नाम देंगे, क्या, अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट या संविदा।
ठीक है भाई, फिर एक बार आप कॉन्सेप्ट बनाइए। जो करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति कर देते हैं वे संविदा कहलाते हैं और उन्हें एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट या वास्तविक संविदा कहा जाता है। कैसी संविदा? वास्तविक। लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे होंगे जो धारा 10 की शर्तों की पूर्ति ही नहीं करेंगे, फिर भी कानून जबरदस्ती उन्हें संविदा जैसा मान लेता है। यानी कि धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं किए अब फिर भी जबरदस्ती क्या मान लिया गया, यानी कि विधि उसे क्या उपधारित कर लेती है, क्या कल्पित कर लेती है, संविदा जैसा मान लेती है। वास्तव में संविदा नहीं है लेकिन संविदा जैसा उसे क्या किया जाता है, माना जाता है। यानी कि कुल मिलाकर जब न्यायालय न्याय या जस्टिस के आधार पर, इक्विटी या साम्य के आधार पर, गुड कंसेंस यानी कि अंतःकरण या अंतर आत्मा की आवाज़ पर किसी संव्यवहार को संविदा के आवश्यक तत्व न होते हुए भी संविदा जैसा मान लेता है, उसी को एक लाइन में कोसाई कॉन्ट्रैक्ट या डिम्ड कॉन्ट्रैक्ट या संविदाकल्प या संविदाकल्प या मानक संविदा, कल्पित संविदा, कृत्रिम संविदा कहा जाता है। यानी कि संविदा के तत्व नहीं मिलेंगे। तो अब आपका इसका प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट की धारा 68 से लेकर 72 तक में दिया गया है और 5 ऐसे संबंधों का उल्लेख है जहाँ की संविदा नहीं है फिर भी संविदा जैसे उन्हें क्या किया जाता है, माना जाता है। अब एक उदाहरण पहले देखिए, संविदा दो उदाहरण सटीक देखिए तब तो अंतर जाने। यानी कि पहले संविदा कल्प दिमाग में बैठेगा तब तो अपकृत्य से अंतर हम बता पाएंगे, नहीं तो रटवाना रहता तो हम भी बता देते, चार लाइन छोड़ देते। पहले दिमाग में संविदा कल्प बैठाइए और इसको दो उदाहरणों से कवर करिए। ध्यान से देखिए, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपका 68 से दे रहा हूँ और दूसरा उदाहरण धारा 71 से दे रहा हूँ। यानी कि संविदा नियम की कहाँ से, दो उदाहरणों से आपको दिमाग में ये बैठाना है कि संविदा के तत्व हैं नहीं फिर भी संविदा इसे क्या किया गया, मान लिया गया। जैसे आगे देखिए भाई, आपका 68 देखिए, मोहरी बीवी का केस पकड़िए। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष के बाद में जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ ने क्या बताया कि अवयस्क द्वारा किया गया करार वार्ड एब इनिशियो होता है। यानी कि अवयस्क तो करार कर ही नहीं सकता, वह करार क्या होगा सुन। लेकिन संविदा के बाहर जाइए, संविदा में ना आइए, संविदा से तत्व से क्या जाइए बाहर। धारा 68 बताती है कि अगर अवयस्क को किसी व्यक्ति ने उसके जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की हैं तो अवयस्क तो संविदा कर नहीं सकता, तो ये करार शून्य होगा। लेकिन 68 संविदा से कहाँ जाती हैं, बाहर, और ये कहती हैं कि अवयस्क से उन वस्तुओं की कीमत वसूली जा सकती है। तो भाई अवयस्क व्यक्तिगत रूप से दायी होगा कि उसकी संपत्ति दायी होगी? बिहार में पूछा गया है व्यक्तिगत होगा कि संपत्ति। व्यक्तिगत दायित्व का मतलब ये हुआ कि गिरफ्तार करके अवयस्क को कहाँ भेजिए, जेल, ये नहीं हो सकता, भारत में नहीं हो सकता। लेकिन अवयस्क के पास जो संपत्ति है उसको क्या किया जाए, तो उसको कुर्क किया जाए, नीलाम किया जाए, बेचवा कर, और आवश्यक वस्तुओं का जो पैसा है क्या किया जा सकता है, वसूला जा सकता है। तो आप लोग खुद बताइए संविदा के तत्व क्या इस संव्यवहार में मिले नहीं। तो संविदा कल्प का मतलब ये हुआ
कि संविदा के तत्वों के अभाव में भी कानून उस संव्यवहार को संविदा जैसा क्या करता है, मानता है। एक और उदाहरण देखिए आपका 71 पर, ए का मान लीजिए ए का पर्स गिर गया था, बी आपका पाया और उठा लिया। तो अब आप लोग बताइए बी का क्या कर्तव्य, ए और बी में कोई संविदा नहीं हुई, कोई संविदा नहीं हुई क्योंकि वह लावारिस संपत्त, लाबादा संपत्त, बिना वारिस के संपत्त या गुड फाइंडर यानी कि पड़ा हुआ माल क्या किया, पा लिया, जे में आया भी था और तमाम जगह आता रहता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि भाई बी ने ए का पर्स पा लिया तो ऐसी दशा में संविदा तो हुई नहीं, लेकिन कानून बी पर संविदा जैसा कर्तव्य अधिरोपित करता है और बता देता है कि बी का कर्तव्य भले संविदा ऐसे न हुई हो, बी का कर्तव्य बेली या उपनिहिति जैसा होगा, यानी कि बी ए को पहले खोजे और खोज कर ए का पर्स क्या करे, वापस। अब आईपीसी में भी गवर्न कराना है, ए पर्स पाता है, पर्स उठा लेता है, तो केवल पड़ा हुआ सामान उठा लेना अपराध नहीं है। अब इसी में शब्द फंसा देता है, अपने लिए उठा लेता है, तो अपने लिए मतलब कि पैसा वैसा क्या किया, अपने ही यूज कर लिया, मिठाई खा लिया, पकौड़ा खा लिया, समोसा खा लिया, जो भी खा लिया, या मोबाइल चाय पी लिया, हाँ चाय भी पी सकता है भाई, 5 रुपया रहेगा तो चाय पी लेगा, चाय पी लिया। उदाहरण चेंज किया जाएगा भाई, लोगों नए लोगों की मांग है तो पुराने उदाहरणों को थोड़ा मॉडिफाई कल से कर देते हैं, कि कोई दिक्कत नहीं है भाई। उदाहरण हम भी चाह रहे हैं कि अब पुराने कुछ उदाहरण बंद किया जाए, और कैसा उदाहरण दिया जाए, नए जो नए नए मॉडल आए हैं मार्केट में आपका उसको दिया जाए, जैसे कि नए नए डांस आते रहते हैं, सपना चौधरी का डांस पुराना, अब आपका डांस नए नए आ गए हैं भाई, शौचालय डांस तो मुर्गा डांस तो मुर्गी डांस, तो भाई अब नए नए आए हैं तो आपका वो भी देखना है भाई, नए उदाहरण कल से चलेंगे कुछ आगे, देखिए भाई इसको समाप्त किया जाए। यानी कि आपका एक दो लाइन और पढ़ाया जाए, तो ऐसी दशा में तमाम एंगल से इस पर गौर करना रहता है। तो बी अगर ये शब्द दे दे अपने लिए उठा लेता है तब तो अपराध किया, और कौन सा अपराध किया, आईपीसी की धारा आपका 403 का आपराधिक दुर्विनियोग, और मरा हुआ व्यक्ति है उसका बैग वैग लेकर भाग गया तो 404, कौन सी धारा का 404, और जिंदा व्यक्ति हैं तो 403, और मरा हुआ व्यक्ति का अंगूठा ही काट कर लेकर भाग गया तो 297 भाई, 100 को क्या करना, अवहेलना। तो तमाम है, देखिए आगे इसको, यानी कि जब भी ए का पर्स पाया है तो ए से संविदा नहीं हुई, लेकिन बी का कर्तव्य है कि वह ए को उचित समय तक और उचित साधन लगाकर खोजे, अगर ए नहीं मिलता है तब तो भाई अभी जे में बना था कि जो माल पा लिया वो क्या हो गया, स्वामी, भाई कब्जाधारी ही क्या माना जाएगा, स्वामी, इस बार बना भी था आपका गुड फाइंडर, ये जुरिस्प्रूडेंस में बताया जाता है, इस बार यूपी जे में बना था 2 क्वेश्चन, एपीओ में भी आया था ये आपका पर्स पा लिया या घड़ी पा लिया। तो आपका इसमें जो लास्ट में देख लिया जाए एक लाइन, कि जो व्यक्ति पड़ा हुआ माल पाता है तो क्या वह उस सामान को बेच सकता है कि नहीं, बेच सकता है यदि पड़ा हुआ माल क्षयशील हो, यानी कि पड़ा हुआ माल क्या है, जल्दी नष्ट, पनीरें पा लिए तो पनीर कितना दिन तक रखेंगे, 1-2 दिन ना आए तो खा लीजिए या बेच दीजिए, लेकिन पहले तो मालिक को। और दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि मालिक को, यही बिहार बार बार बना रहा है, यदि स्वामी को खोजने में सामान की कीमत का कितना खर्च कर चुका है, 2/3, तो 2/3 खर्च करा दिया जाए। ये एक व्यक्ति है 9000 का मोबाइल पड़ा हुआ पाता है,
और मालिक को खोजना शुरू करता है और खोजते खोजते इस मोबाइल की कीमत का 2/3 यानी कि 2/3 यानी कि 6,000 रुपया क्या कर देता है खर्च। अब फिर भी मालिक नहीं मिले तो अब ए को कानून अधिकार देता है कि अब यह मोबाइल को बेच सकेगा, यानी कि लेकिन कब बेचेगा, जब मालिक को खोजने में मोबाइल की कीमत का कितना खर्च कर चुका है 2/3। धारा कॉन्ट्रैक्ट का 169 अभी बताया जाएगा आगे, तो भाई कल आगे आपका और बताया जाएगा। अभी कल तक भाई लेक्चर चलेगा, परसों कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया जाएगा स्पीड, क्योंकि इधर आपका इंग्लिश बंद है तो आपका थोड़ा कुछ चीज़ें आपका समाप्त कर दी जाए, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट आपका समाप्त ही हो जाए एक हफ्ते में, चांस है पूरा। जिस स्पीड में चल रहा है हो सकता है कि एक हफ्ते में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए।